Hello guys, Assalamualaikum, namaste. So how are you today? I hope you are doing well. So today we have a very important topic, that is freelancing. So आप ये जान मतलब कंफ्यूज हो गए कि ये freelancing क्या है? अभी freelancing का कौन सा चांस है? freelancing क्या है? अभी freelancing एक मतलब इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं लेके चलूँ कि इसके स्टार्टिंग वाले वर्ड से चलें कि free means independent. You are independent to do anything. तो इसलिए यहाँ पे फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है, ऐसा सोर्स है जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको खुद का बॉस बनाता है और खुद ही ऊपर बनाता है. किस तरीके से कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी सोर्स है जिसके जरिए आप ऑनलाइन घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं. जस्ट यू जस्ट नीड बेसिक इंग्लिश एंड यू नीड अ स्पेसिफिक स्किल्स. तो फ्रीलांसिंग एक बहुत ही मतलब एक अभी दुनिया में इस टाइप पे बहुत फ्रीलांसिंग चल रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर रहे हैं और ये बहुत रियल एक मतलब वर्क है. फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको चाहिए कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए और आपको थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डू फ्रीलांसिंग एंड कैन बी एबल टू अर्न एनीथिंग एनी वन टाइम एज यू वांट एज यू विश. मतलब फ्रीलांसिंग में सिर्फ आपको इसमें आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं. इसमें टाइम आपका होता है, इसमें लोकेशन आपकी होती है, इसमें अर्निंग आपकी होती है, इसमें प्राइस आपकी होती है, इसमें जो कुछ भी आप करेंगे सब आप पे डिपेंडेंट होगा. इसमें आप ही आपके बॉस होते हैं, आप ही अपने एम्प्लॉय होते हैं. तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त इसका बेनिफिट है. तो इसके लिए आपको सीखनी चाहिए कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू डू फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू अर्न फ्रीलांसिंग. तो फ्रीलांसिंग को सीखने से मतलब फ्रीलांसिंग ये तो जानते हैं क्या है, अब फ्रीलांसिंग कैसे सीखें, स्किल्स कौन कौन से होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए. चलिए आइए स्किल में बता रहा हूँ आपको. जैसे स्किल्स देखें, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग. ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत अच्छी स्किल है. ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं तो भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इजीली और घर बैठे अपनी अर्निंग कर सकते हैं. यहाँ इसके अलावा और भी स्किल्स हैं, जैसे अगर वेब डेवलपमेंट आप कर देते हैं, वेब डेवलपमेंट ये भी एक इंटरनेशनल स्किल है. अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप अपने क्लाइंट का फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, बैक एंड वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको डिजाइन करके आप अपने मतलब अपनी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे इजीली से. इसके अलावा हमारे पास और स्किल्स भी आ जाती है, जैसे SEO. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये ऐसी स्किल है जिस जो आपको जो आपकी वेबसाइट हो या आपके यूट्यूब वीडियो हो उसको रैंक कराने में हेल्प करती है. अगर आपको SEO आता है, मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, तो आप तो अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक पे ले लाके रख सकते हैं. आपके मतलब हम गूगल पे कोई भी सर्च करते हैं वेबसाइट वगैरह तो वो टॉप रैंकिंग में आती है. तो मतलब वो टॉप रैंकिंग में इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे उसको SEO किया हुआ होता है. तो ये है SEO. उसके अलावा हमारे पास और भी स्किल्स आ जाती है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई. वीडियो एडिटिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टिकटॉक हो, एवरीवेयर वीडियो अवेलेबल. तो वहाँ पे वीडियो एडिटर की नीड होती है. जैसे कि हमारे वीडियो हर एडिटिंग करनी पड़ती है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जो भी जहाँ पे वीडियो आप रखते हैं वहाँ पे एडिटिंग लाजमी होती है. तो वीडियो एडिटिंग स्किल भी एक डिमांडेड स्किल है. उसके बाद हमारे पास बहुत सारी और भी स्किल आ जाती है, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. डेटा साइंटिस्ट अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो डेटा साइंटिस्ट क्या बन सकते हैं. उसके अलावा आपके पास और भी स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कि इसको पहले रिमूव कर देता हूँ. हमने देखा ग्राफिक डिजाइनिंग देखी, वेब डेवलपमेंट देखी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखी. उसके अलावा हमारे पास और भी इंटरनेशनल स्किल्स आ जाती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही हाई लेवल जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया,
इन प्लेटफॉर्म पे आपको अगर अर्निंग करनी है, आपको मतलब किसी भी आपके क्लाइंट या प्रोडक्ट को रैंक में लेके आना है, तो आप ये वाली स्किल सीखकर वहाँ पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, उसके अलावा हमारे पास और भी स्किल आ जाती है जैसे डेटा एंट्री, जो तो हमारे बहुत ही बेस्ट स्किल है वो है डेटा एंट्री। अगर आपको एक्सेल यूज करना आता है, एक्सेल चलाना आता है, आप डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम फोटो एडिटिंग वाला काम भी कर सकते हैं, फोटो मैनिपुलेशन, ये भी एक स्किल है जिसके जरिए हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी स्किल आ जाती है। अगर आपको कुछ चीज़ आती है, लाइक आपको इंग्लिश आती है, आपको मैथ आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको कोई भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, तो आप एज अ ट्यूटर भी वहाँ पे टीच कर सकते हैं। एज अ ट्यूटर भी आप ऑनलाइन टीच करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं जो कि हम सीख कर अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमने सीखी स्किल्स। अब इस स्किल्स को कैसे और कहाँ से सीखेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम फ्रीलांसिंग कहाँ से और फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर।